अच्छे वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा वचन जो मेरे दिल को छू गया। आप लोगों ने आशीष पाई। प्रेज द लॉर्ड। आज एक गवाही को लेकर हम इतने दूर से आए हैं। आज हमें मालूम है कि आप लोगों को जो जीता जागता गवाही जो मेरे जीवन में हुई, आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन के साथ हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रोजमेरी टोक्को है और मैं दिल्ली में गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ। और इसी तरह हम लोग जॉब करते हैं, काम के सिलसिले में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने शरीर को देखना, अपने शरीर का रख रखाव करना, ये हम कई बार इग्नोर करने लगते हैं और जिस कारण हम बीमार हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमें कुछ पता नहीं था कि मेरे शरीर में कोई बीमारी पल रही है। क्यों? मैं ऊपर से हट्टी कट्टी मजबूत नॉर्मल इंसान लग रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ऑफिस में आना जाना, काम करना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और अचानक ऐसे हुआ कि हमारे गवर्नमेंट में ऐसा नियम है कि ईयर एंडिंग में कि अपना हेल्थ चेकअप, आपको हेल्थ चेकअप करके उसका सर्टिफिकेट हमें इशू करानी पड़ती है। और हर एक कोई जब हेल्थ चेकअप को कर रहे थे, सर्टिफिकेट इशू करनी है, तो मैं भी गई अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मेरे पूरे बॉडी का चेकअप किया और उसके बाद जब मुझे एज ए वुमन उन्होंने मुझे गायनिक डॉक्टर के पास भेज दिया कि जाओ उनके पास आपकी चेकअप होगी। और जब उन्होंने मेरा चेकअप किया तब उन्होंने मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ पाया। उन्होंने कहा कि आपकी बायोप्सी होगी। जब उन्होंने मेरा बायोप्सी किया तो उसमें पाया गया कि मेरा कैंसर है। प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने डायग्नोज किया कि मेरे शरीर में, मेरे यूट्रस में कैंसर है, तो सबसे पहले हम घबरा गए कि क्या होगा, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जो इंसान सुन के, उसका नाम सुन के ही थोड़ा डर सा लग जाता है। क्या होगा? कैंसर इतना भारी बीमारी मेरे शरीर में हो गई, लेकिन हमारा प्रभु जिंदा खुदा है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आती है। शुरू में हमने सोचा कि क्या होगा, लेकिन जब हम घर में गए, बच्चों के साथ, अपने पति के साथ सब मिलकर हाथों को पकड़कर हमने प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट दे दिया। जीसस कॉल्स में प्रेयर रिक्वेस्ट सब ने, सभी भाई बहनों में, जहाँ जहाँ हमें मालूम था सब जगह हमने प्रेयर रिक्वेस्ट को दे दिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा जब ये डायग्नोस हो गया है तो तुम्हारा क्या करना, नेक्स्ट ट्रीटमेंट चालू होगा। मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। मेरे 8 कीमो हुए। एक एक कीमोथेरेपी, लोगों को कितना डर लगता है कि कीमोथेरेपी में बहुत पेन होता है। शायद आप लोगों के बीच में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कैंसर के बारे में आपको मालूम हो, कीमोथेरेपी लेते हुए बहुत पेन होता है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड मुझे ना पेन हुआ ना कोई दर्द हुआ। प्रेज द लॉर्ड। गवाही का विषय नहीं है, प्रभु ने किया है। उसके बाद जब कीमोथेरेपी हो गया, नेक्स्ट डॉक्टर ने कहा कि आपकी रेडियोथेरेपी भी होगी। रेडिएशन होगा, आपके बॉडी में रेडिएशन दिया जाएगा, वो रे भेजा जाएगा शरीर में। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस मशीन में जाती थी, उस मशीन के अंदर लिटाया जाता था। कीमोथेरेपी के बेड में जब मैं थी, तब जब मुझे सलाइन चढ़ते थे, जब कैंसर के दवाइयाँ मेरे शरीर में इंसर्ट किए जाते थे, तो उस समय मेरी आंखें ऊपर होती थी और मैं कहती थी मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। उस समय मुझे वो भजन संहिता 121 याद आते थे। हर समय जैसे जैसे कीमो 3 घंटे चढ़ते थे, मैं उस वचन को, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, ये वचन मेरे दिमाग में आते रहे। और कैसे टाइम पार हो जाता मुझे पता नहीं। उसके बाद जब रेडिएशन की बारी आई, उस बड़े बड़े मशीन में लेटाया जाता था, उस समय भी मैं प्रभु के ये वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, मैं मशीन में हूँ लेकिन मेरे मुँह से निकल रहा है हरी हरी चराइयों में मुझे ले चलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है विश्वास। जब आप विश्वास में चलोगे
चाहे आंधियां आएगी, तूफान आएगी आपके जीवन में, आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो मेरे जीवन में किया। रेडिएशन के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब नेक्स्ट अब क्या होगा, मेरा ट्रीटमेंट का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा एक और थेरेपी आपका बाकी है। मैंने कहा मेरे 25 रेडिएशन हुए, जब 25 रेडिएशन खत्म हुए उसके बाद मेरा होप था कि मैं शायद बच जाऊंगी, उसके बाद मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें ठीक होना है ना? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब मुझे ठीक होना है। और मैंने कहा कौन सा थेरेपी? उन्होंने कहा ब्रेकी थेरेपी। रेडिएशन में आउटर आपका ट्रीटमेंट होता है, ब्रेकी थेरेपी इंटरनल आपका थेरेपी दिया जाता है, वो भी पेनफुल होता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो 4 ब्रेकी थेरेपी हुए, उसमें भी मुझे पता ही नहीं चला कब मैं बेहोश हुई, कब मैं ठीक हुई, मुझे कुछ पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट बारी क्या आती है? अब रिजल्ट की आती है ना, ट्रीटमेंट तो हो गया, अब रिजल्ट की बारी आती है। हम सब ने दुआ करना शुरू कर दिया कि प्रभु तू मुझे गवाह के रूप में खड़ा करना, प्रभु मैं तेरा गवाह बनूंगी, मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी प्रभु मैं इस गवाही को दूंगी, क्योंकि मेरी नई जिंदगी हुई है। मेरे प्रभु मेरे प्रार्थना को सुना, और जानते हैं उसके बाद जब रिपोर्ट के लिए जब मेरा लास्ट MRI हुआ, वो MRI 1 घंटे का हुआ, डॉक्टर चकित हो गए, रिपोर्ट आई उनको डाउट हो गया ये MRI क्लियर नहीं आ रहा, आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले आइए, पहले क्या था अब क्या है। लास्ट में रिपोर्ट आई कोई कैंसर सेल नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, कोई कैंसर सेल नहीं है। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, जिस प्रभु ने मेरे ऐसे ऐसे मशीन में लिटा के मुझे वचन दिए और मैं उस वचन पर चलने लगी, मेरे अंदर एक साहस और कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। हाँ सभी कहते हैं कैंसर एक जानलेवा बीमारी, कहते हैं ना कैंसर एक जानलेवा बीमारी, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेने वाला नहीं, वो जान देने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे नई जिंदगी दी और मेरा विश्वास है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मैं हर एक जगह मैं ये गवाही को दूंगी। और मैं विशेष आज हर एक बहनों से हर एक माताओं से कहना चाहती हूँ, आप लोग जरूर साल में एक बार अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से जरूर कराना, क्योंकि डॉक्टरों के डॉक्टर तो हमारे साथ में है, लेकिन वो हमें अगुवाई करता है, जा तू चेकअप करा मैं तेरे साथ में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी गवाही यही है कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी। और सबसे बड़ी बात है 23 अप्रैल को मेरा डायग्नोज हुआ कि मुझे कैंसर है, और 2 महीने में ही 25 जून में मेरा MRI बता रहा तुम्हारे पास कोई कैंसर नहीं, 2 महीने में ही क्या कैंसर ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। उस समय ना मेरे बाल झड़े, ना मुझे कमजोरी महसूस हुआ, मैं नॉर्मल की तरह अपने ट्रीटमेंट कराती रही, और प्रभु का धन्यवाद हो। लोग कहते हैं बाल झड़ जाते, लोग कहते हैं वॉमिटिंग होता, साइड इफेक्ट होता है, लेकिन मेरा प्रभु जो उसको थमे रहता है वो बहुत महान है, और उसने मुझे चंगाई दी है। और मैं एक वचन पढ़कर मैं अपनी गवाही को अंत करना चाहती हूँ। यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने मांगा, प्रभु ने दिया, प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। आइए मैं इस समय 2 मिनट के लिए मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में हो रहा है जिसके परिवार में कोई कैंसर पेशेंट है, या जो कैंसर के रोग से ग्रस्त है, या जो उस दौर से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी। और अगर आपके शरीर में कोई दर्द है, बीमारी है, प्रभु इस समय जो चंगाई मुझे मिली मैं चाहती हूँ, मैं कल तो यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मैं वो आशीष का भाव आप लोगों को देकर जाना चाहती हूँ। आइए अपने अपने आँखों को बंद करें, विश्वास कीजिए जो चंगाई मुझे मिली आज आपके परिवार को भी प्रभु चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने बीमारी में से, ओ प्रभु इतना भयंकर बीमारी में से आपने मुझे खड़ा किया है, मुझे जीवित अवस्था में रखा है प्रभु, मुझे यहाँ गवाही के लिए खड़ा किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है प्रभु जी। आज इस समय
जिस तरह आपने मुझे चंगाई दी है आज पिता परमेश्वर वही चंगाई उनके परिवार के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर हर एक जख्म भरे जाए हर एक खून शुद्ध किए जाए पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की तक जो हमें नीचे गिराती है जो हमें आपके पीछे चलने से रोकती है यीशु तेरे कोड़े खाने से प्रभु आपने हमें चंगाई दी है आज वही चंगाई यहाँ एक एक बहन के यूट्रस को प्रभु जो उनको डर लगता है मैं क्या करूं प्रभु इसी समय छुले इसी समय टच कर पिता परमेश्वर आपका हाथ और आपका जख्मी भरा हाथ वहां तक पहुंचने पाए उनको चंगाई देना पिता परमेश्वर उनके जख्म को भर देना पिता परमेश्वर क्योंकि तू हमारे बीमारों में प्रभु जी तू हमें चंगाई देता है प्रभु हमें बल देता है और हमें खड़ा करता है इस समय एक एक जन जो यहाँ प्रभु अपने शीश को नवा के प्रभु तुझसे कुछ मांग रहे हैं ओ पिता परमेश्वर आप उनके आंसुओं को देखा है आपने एक एक की कमजोरी को जानते हैं पिता परमेश्वर इस समय चंगाई देना जिस तरह आपने मुझे चंगाई दी है एक एक भाई एक एक बहन को जो यहाँ उपस्थित है अगर कोई बीमारी नहीं है तो मन में असाध्य रोग लगा है पिता इन असाध्य रोगों से कौन बचाएगा प्रभु इस समय अपने हाथों को उठाकर कहना चाहते हैं आपकी चंगाई उतरने पाए आपकी चंगाई यहाँ उतरने पाए मुंह खोलिए इस समय मुंह खोलिए प्रभु आपको चंगाई देगा मुंह खोलिए इस समय प्रभु आपको चंगाई से भरेगा आप मांगिए प्रभु आपसे जो चाहे आप मांग सकते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करेगा धन्यवाद प्रभु आपने हम सबों की प्रार्थना को सुना प्रभु एक गवाही के रूप में आपने खड़ा किया प्रभु हर बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन